हेलो भाई, स्वागत है सबका मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपका होस्ट, सबका दोस्त अभिषेक। और जैसे जैसे दिन आगे जा रहा है वैसे वैसे एक्साइटमेंट बढ़ रही है। एक्साइटमेंट आज के ब्लॉग में इसीलिए है क्योंकि वी आर गोइंग टू इंस्टॉल लाइट्स ऑन द बाइक, तो एकदम खूंखार दिखने लग जाएगा अपना तेंदुआ। 5 लाइट्स, 2 ऑक्सिलरी, 2 HJG वाले एंड अपना जो हेडलाइट है वो LED। क्या बात है, उधर जाएंगे पटाख से लाइट इंस्टॉल करेंगे, बस बचा है तो वो है टायर। तो अभी अपन फिटिंग कर रहे हैं लाइट्स का। ये है लाइट्स, एक लाइट यहाँ पे फिट हो रहा है या। तो कुछ इस तरह से भी अब माउंटेड वो ब्रैकेट। चलो लोकेशन तो अच्छी मिल गई है, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लाइट लुकिंग गुड। थोड़ा इसका एडजस्टमेंट वैसे तो बराबर है, बट अपन बाद में एक बार वेरीफाई कर लेंगे जब भी अपन लाइट चलाएंगे तो। एंड इज इंस्टॉलिंग द स्विच, यहाँ पे हमने सोचा है लेफ्ट साइड। ओ माय गॉड यार, क्या दिख रही है बॉस, सेक्सी। तो अपने लाइट्स लग चुके हैं, इसका बटन यहाँ पे है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। तो जो वगैरह बटन यहाँ पे लगा उसमें भी लाइट है, और यहाँ पे बैटरी का टर्मिनल्स लगाया हुआ है, यहाँ पे ब्रेक लाइट को हमने डायरेक्टली इसको लगाया। तभी हम बटन दबाएंगे। ये देखो बस, इतना स्टॉक वाला लगाते हैं। ये देखो, तो ये इसको अगर ऐसा लगा दे तो ये हो जाता है येल्लो, एज यू कैन सी। चलो बढ़िया है, सेट हो गया अपना काम एकदम। तो देखिए जी, जिस चीज़ का बेसब्री से मुझे इंतज़ार था वो फाइनली आज हो गई है, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ये देखो, याला मंतत जत्रा, पूर्ण लाइट ची जत्रा। कितना लाइट अपने पास, 1 2 3 4 5 लाइट्स। अभी इसका मेन रीज़न ये है कि ये जो स्टॉक ऑक्स लाइट्स है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ये अगर इसके जितने स्ट्रांग होते तो आई थिंक मैं ये लगाता ही नहीं, बट ये उतने स्ट्रांग नहीं है, दैट इज़ द रीज़न ये एडिशनल लगाया है। और इसका थोड़ा मुझे अभी फिटिंग देखना पड़ेगा, रात को एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो वो अंधेरे में पता चलेगा, तो अभी करके कोई पॉइंट नहीं है। बट ओ हो, देखिए तो सही। तो ये 10-12 दिनों में गाड़ी पर काफ़ी खर्चा हुआ है, काफ़ी, मतलब एक्चुअली ये साल भर का पूरा मेंटेनेंस एक साथ मैंने कर लिया। एक्चुअली राइड का जब प्लान बनता है ना तो इसके पहले ये सब हो जाता है, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू ऑन योर बाइक, और अल्टीमेटली आप बाइक तैयार कर लेते हो। तो अपनी बाइक अभी तैयार हो चुकी है, KTM इंडिकेटर्स एकदम सेट, नए ब्रेक पैड्स, ये स्क्रू भी मैंने बदल दिया, ये मैं आपको बताना भूल गया। तो आई गॉट दिस स्क्रूज जो अपने वेल्ट करके निकाले थे, तो ये नए स्क्रू लगाए, बहुत ज़्यादा महंगे स्क्रूज है, 850 रुपीज़ का एक है आई थिंक। बट क्या करें यार, अभी ओरिजिनल एक्सेसरी है तो ओरिजिनल ही लगाना पड़ेगा, और वो एक्चुअली मिलता भी नहीं है, ढूंढ ढूंढ के मिलता भी नहीं है, तो मुझे पता था मिलेगा नहीं, मैं सोचा छोड़ो एक बार का है ले लेते हैं। ऑल राइट, ये देखो, दिस इज अमेजिंग। और यार इसका फ्लैशर, ये बहुत ज़्यादा आँखों में चुभता है, तो इसको अपन यूज़ नहीं करेंगे, बट हो तो बेटर है। तो ये लाइट्स है HJG के, ये वाले बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में है। ये देखो ये ब्रांडिंग, तो मेरे एक फ्रेंड है जेसल भाई, उससे आप खरीद सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके डिटेल्स दे देता हूँ, इंस्टाग्राम और फ़ोन नंबर। मेरा अगर रिकमेंडेशन आप देते हो, वॉन्डरसेन के वीडियो देख के आप आए हो ऐसा बोलते हो, तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो ये ऑलरेडी वर्थ है, और ऊपर से 10% डिस्काउंट मिलकर आपको और ज़्यादा वर्थ हो जाएगा, और आप भी यू नो अच्छे लाइट से सेफली राइड कर सकते हो। तो गाड़ी ऑलमोस्ट अभी सेट है अपनी, केतन मेहता साहब यहीं पे। मैंने ये आखिरी के 10 दिनों में गाड़ी पे कितना खर्चा किया हूँ, अराउंड 13,000 रुपये। और एक चीज़ उसको पूछिए, गायत्री को गिफ्ट कितने हज़ार का दिया है। नहीं वो नहीं बताऊंगा। तो अभी केतन के साथ भी सेम प्रॉब्लम हुआ था, ये रहा दुखद घटना, दुखद घटना हुई थी, नसीब से एक ही हुआ है, दूसरा अभी तक है, तो इसको मैंने जो सामने जुगाड़ किया वो करने वाले हम, सो उसको पता नहीं एक्चुअली क्या किया मैंने, तो इसलिए मैंने पूरा का पूरा मेरा नट्स लाया है, और इसको खोलेंगे अभी, देखते हैं कैसे खोलने के। चलो ये खुलने के बाद ये खुलेगा, ये अंदर से है शायद, ये पिनलॉक रहेगा ना इधर,
ठीक है रुको मैं करता हूँ, बाद में मिलता हूँ आपसे। तो ये इंडिकेटर हमने निकाल दिया, तो ये रबर है ना ये प्रॉब्लम है, ये देखो हाँ ये पूरा डिग्रेड हो जाता है। तुम्हारा फिर भी ठीक है, मेरा तो ये भी क्रैक हो गया था। अरे बाप रे, हाँ क्या? हाँ ये भी रबर ही है ना एक्चुअली, वो पूरा रबर ही है, वो ये भी हिलता ही है, डर लगता है हिलता है तो ये। वो उसका नेचुरल प्ले ही है, वो हर कावासाकी में हिलता है, हिलता ही है वो। तो इसके अंदर का अपन नट निकाल दिया, इसमें डालेंगे अपन अपना सादा वाला नट और अंदर से उसको टाइट करेंगे। A few moments later. तो जुगाड़ जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया छोटे मालिक। 3000 रुपये बच गए। ये जो है देखो, ये स्टॉक है, ये देखो प्ले देखो, अरे ये देखो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। एक्चुअली इतना प्ले का जरूरत नहीं ऐसा मुझे लगता है। हाँ, कुछ ज्यादा ही है। प्ले, हाँ, मेरे को लगता है प्ले की वजह से और रबर साला होता तो इतना प्ले का जरूरत नहीं। दिस इज एक्चुअली स्टेबल, बाकी बाइक्स भी इतना प्ले नहीं रहता। नहीं रहता, नहीं रहता, फर्स्ट टाइम ऐसे। शॉर्ट ये भी हमने लगा दिया, वो भी अंदर से लग गया है। ये वकी और क्या खातिरदारी और क्या करें हम। और ना हमारा जीएस का जरा बल्ब देख लो एक बार, आपने जो लगाया था लास्ट टाइम। अच्छा अच्छा सर, वो अभी पता नहीं हिल रहा है क्या, मुझे आवाज आ रहा है। चलो निकाल लो, वो भी कर लेंगे, ये लगा देते फिर वो निकालते। तो BMW में थोड़ा सा वाइब्रेशन का साउंड आ रहा है, एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है आई एम नॉट श्योर, यहीं से कहीं से आ रहा है। वी ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, हमने ये निकाला फिर ये भी निकाला बट कुछ हुआ नहीं, तो एग्जैक्टली किधर से नॉट श्योर। हल्का सा ऐसा रहता है ना एक स्पेसिफिक RPM पे, वही आता है, उसके बाद नहीं आता ना, उसके बाद नहीं आता वो 5000 RPM के पास आसपास आता है वो। ये ऐसा अपने को जुगाड़ करना पड़ता है लाइट का कवर, दिन भर कैसा लाइट का काम नहीं रहता ना, तो ऐसा कवर लगा के एकदम वो कांच ख़राब होता नहीं, बिकॉज डिबरी बुरी इस पर जाती है ना, तो इट इज़ बेटर। तो बाइक का एक काम करने निकले और फिर बाइक्स ही बाइक्स, देखो काम ही काम, फिर काम निकाला तो काम आते रहता है, खर्चा आते रहता है। तो इनका कुछ काम है लाइट्स का, वो कर रहे हैं। मीनवाइल ये जो अपना ब्रैकेट है मेरा लाइट का, मैंने लाइट निकाल के रखा हुआ है, ये ब्रैकेट सिल्वर है, मैं सोच रहा था इसको ब्लैक कैसे करें और मैं तो सामने भूल दिया कि ये देखो अपने पास है कलर। तो ये स्प्रे पेंट से हमने एक पेंट कर दिया ब्लैक, अच्छा दिखेगा ना एक्चुअली ब्लैक, देखो ब्लैक मैच हो जाएगा। एक लेना पड़ेगा मेरे को। इन्होंने क्या पेंट किया था, एग्जॉस्ट, सोचो एग्जॉस्ट ये स्प्रे पेंट से पेंट किया और एग्जॉस्ट अभी भी अच्छा चल रहा है। तो मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको आपकी गाड़ी को कुछ ऐसा कलर निकला हुआ है कुछ मैच नहीं हो रहा है ब्लैक या कोई भी कलर ना, हाँ यस यस यस, तो उसका मैचिंग स्प्रे पेंट वो कैसे करते हैं वो इनके चैनल पे यू कैन वॉच, आई लिंक दैट वीडियो, बहुत यूजफुल वीडियो है। मेहता साहब का चैनल है, अगर कुछ लोग मिस कर दिया तो डू विजिट इस चैनल, बहुत लोग नए होंगे तो यू लव इट DIY गाड़ी का जुगाड़ गाड़ी पे जुगाड़ कैसे करते हैं ये सब चीजें है, जाके देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ। काम के वीडियो दे। तो स्प्रे पेंट कर दिया, कुछ ऐसा लग रहा है, ये देखो अभी ब्लैक मैच हो रहा है, तो अभी अच्छा लग रहा है ये पट्टी, देखते हैं बाद में कभी, ये शायद ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं तो इसको बाद में अपन पाउडर कोट करा लेंगे आने के बाद, फिलहाल तो टेम्प्रेरी काम चल गया। चलो 9 बज गए, निकलने का टाइम आ गया, जी चलती नहीं है ना तो राउंड मारने निकले, चलाया करो कभी, बोर हो गया यार बहुत दिन से बाइक ही नहीं चलाया, अभी चलाना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं चला। थैंक्स टू अभिषेक अगेन, बिकॉज़ यार एक्चुअली मन ही नहीं कर रहा था, ये चीज टूटा हुआ था ना, तो बाइक चलाने का मन ही नहीं कर रहा था। अभी अच्छा लग रहा है ना, कॉन्फिडेंस आ गया, वेल दैट्स इट, गाड़ी रेडी है, अभी कहाँ जा रहे हैं वो मत पूछो, वो मैं नहीं बता सकता फॉर सम रीजन ऑब्वियसली, बट इंस्टाग्राम पे आ जाओ स्टोरीज मिल जाएगी और सरप्राइज है, मतलब हमारा भी 100% श्योर नहीं है बट मोस्ट प्रॉब्ली प्लान ऑन है, अभी हमारे पास मौका मिल रहा है तो हम लोग कर रहे हैं, तो ठीक है अभी हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो दिख ही जाएगा आपको। दैट्स इट, आई थिंक आई शुड एंड माई वीडियो ओवर हियर, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहो भद्र हो और भटकते रहो, आप भी भटको, अभी भटकते निकल जाओ नागपुर के चक्कर इतने काट रहे, मैं सोचा एक बार बाइक से जाके आ जाओ। ये देखो सेल्टोस, ये जी, ये सेल्टोस कितनी चली है, आई थिंक जी से ज्यादा चली है, ये सात है बोलो मतलब जी को 2 साल होने पे आ गए, दो साल में 7000 और ये 6 महीने भी नहीं हुआ, नहीं ये 8000 छः महीने में 7000 मुंबई नागपुर तो